पिछले कुछ महीनों से फ्रांस दंगों की आग में झुलस रहा है, इन दंगों को रोकने में नाकाम भी रहा है। ऐसे में इस बीच प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं और एक बड़े एक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने गुरुवार यानी आज भारत की एक दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते पीएम मोदी दो दिवसीय फ्रांस यात्रा पर जा रहे हैं और इमैनुअल बोने यात्रा से पहले द्विपक्षीय वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए आ रहे हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्रोन के कूटनीतिक सलाहकार अपने इस भारत दौरे पर एनएसए अजीत डोवाल के साथ गंभीर मुद्दों पर बातचीत करेंगे। संभावना यह भी बताई जा रही है कि फ्रांस वापस जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक बातचीत करने वाले बोने और डोवाल एक दूसरे के समकक्ष हैं। इमैनुअल बोने और अजीत डोवाल की मीटिंग में यूरोप के वर्तमान हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ऐसा बताया जा रहा है कि यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का आक्रामकता के मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है। ऐसे में 13 और 14 जुलाई को पेरिस जाएंगे पीएम मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 13 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 14 जुलाई को बैस्टिल डे पर गाला शो में हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस इंडो पैसिफिक क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समान हितों वाले करीबी सहयोगी हैं। दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक संबंध है जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस की ओर से भारत के विरोधियों को कोई हथियार नहीं दिए जाते हैं और ना ही उनके साथ मंच साझा किया जाता है। ऐसे में इस बीच यह भी खबर आई है कि लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को लेकर एक बड़ी डील होगी। जी हां, फ्रांस ने डीआरडीओ द्वारा विकसित भविष्य के जुड़वा इंजन लड़ाकू विमानों को शक्ति देने के लिए भारत में उच्च थ्रस्ट इंजन के सह विकास और निर्माण की पेशकश की है। जबकि भारत फ्रांस रणनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं। पेरिस ने मजगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यानी कि एमडीएल में अन्य देशों के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को निर्माण करने की भी पेशकश की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्तमान सुविधा जिसने प्रोजेक्ट 75 के तहत कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों को पूरा कर लिया है नहीं जाएगी। ऑर्डर के अभाव में बीज बोना, इसके अलावा फ्रांसियों ने आत्मनिर्भर भारत मार्ग के तहत भारत में शीर्ष मिसाइलों और लोइटर गोला बारूद के निर्माण की भी पेशकश की है। इस बीच यह बड़ी खबर है कि फ्रांस में दंगों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी अब वहां दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर देश और दुनिया की नजर टिकी हुई है। ए न्यूज़ टुडे से विश्व तिवारी की रिपोर्ट।